फ्रेंड्स मैं कुक विद कामिनी। देखिए ठंड आ गई है, ठंडी में बनाते हैं हम हरी मटर और गेहूं के आटे का बिल्कुल नई तरीके का नाश्ता। इस तरह से तो आपने नहीं बनाया होगा, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और देखिए इसे शुरू करते हैं बनाना। देखिए क्रिस्पी भी बहुत होते हैं और सबको बहुत पसंद आएंगे खाने में। और हरी मटर है, आजकल ठंडों में बहुत हरी मटर आ रही है मार्केट में, तो इसे हम ये नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने लेते हैं गेहूं का आटा। 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है, थोड़ा इसमें नमक डाला है, थोड़े डाल देंगे हम अजवाइन। देखिए इसे क्रश करके थोड़ा सा मैंने अजवाइन डाल दिया है। थोड़ा हम डाल देंगे तेल, तेल हो या घी आप कोई भी डाल सकते हो। और इसे हम एक डो तैयार कर लेंगे। आप चाहे इसे थोड़ा सा इसमें हल्का गर्म पानी, गुनगुना पानी हो उससे आप गूंद सकते हो। देखिए इसे थोड़ा टाइट करके ही आटा हम गूंदे, हार्ड थोड़ा सा सॉफ्ट करके बिल्कुल ना गूंदे। अब देखिए इसी तरीके से हम आटा को तैयार कर लेते हैं गूंद के। अब इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रखते। इधर देखते हैं हम मटर की स्टफिंग तैयार करते हैं। थोड़ा तेल लगा के जीरा डाल देते, थोड़ा प्याज डाल के। और देखिए हम मटर की स्टफिंग अपने तरीके से बना सकते हो। देखिए मैंने प्याज डाल दिया है, हरी मिर्च डाल दी 2, थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़े मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं। उसी तरीके से हल्के से मैं सौते करूँगी। और 1 कटोरी ले लिए हरी मटर। हरी मटर को मैंने थोड़ा सा 5 मिनट बॉईल कर ली है। बॉईल करने के बाद ही मैंने इसमें डाल दी हैं। अगर आपको थोड़ा अगर आलू डालना हो तो आप 1 बॉयल आलू डाल सकते हो, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार। अब देखिए मैंने छोटा सा 1 आलू लिया है, वो मैंने इससे ये क्या होता है, इससे अच्छे से ये हमारे मैश हो जाएंगे। और इसी तरीके से हमने मटर को, इसकी स्टफिंग अच्छे से तैयार हो जाएगी जब हमने आलू डाल दिया। अगर आप आलू नहीं डालो तो आप स्किप कर सकते हो, हरी मटर से बना सकते हो। थोड़ा हरा धनिया डाल दिया, ये हमारी आलू की मटर की स्टफिंग तैयार हो गई है। थोड़ा मैंने नींबू का रस डाल दिया है, जैसे क्या होता है और खट्टा खट्टा थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब हमारा डो भी अच्छे से तैयार हो गया। तो हम इनकी लोइयाँ मैंने इस तरह से छोटी छोटी, जैसे हम लोग पूड़ियाँ करते हैं ना, उसी पूड़ी टाइप की हमने छोटी छोटी लोइयाँ बना ली हैं। अब इन्हें हम बहुत बारीक करके बेल लेंगे, हमें मोटी नहीं बेलना है। देखिए इस तरीके से हमने आटे में तेल डाल दिया है, तो ये हमारी अच्छे से बेल जाएंगी। और देखिए मैंने पूरी टाइप की बड़ी सी बहुत बारीक करके बेल दी है। देखिए अब मैं आपको दिखा सकती हूँ। देखिए इतना बारीक करके मैंने बेली है। अब क्या करें, नाश्ता और अच्छा लगे तो हम क्या करते हैं, थोड़े से सफ़ेद तिल डाल देते हैं। हल्के से हम बेलन चला देंगे, क्योंकि जो तिल है ना वो हमारे अच्छे से इसमें दब जाएंगे और निकलेंगे नहीं। हल्के से प्रेस कर दिया है। अब ले लेते हैं हम मटर की स्टफिंग। मटर को हमने इस तरह से लंबा करके रख लिया है, जैसे आप देख सकते हो वीडियो में। अब इस तरीके से अब क्या करते हैं, हम चारों तरफ पानी लगा लेंगे, थोड़ा सा हल्का पानी लगाएंगे। जिससे क्या होता है, हम अच्छे से जब दबाएंगे तो हमारे खुले ना। आप देखिए कोई भी पेन होता है, पेन की हम इसकी कैप ले लेते हैं और इसको हम इस तरह से होल कर लेते हैं। जैसे एक धागे की भी एक आती है, रील टाइप का धागा आता है, उसकी भी हम इसकी कैप उसकी निकाल सकते हो। देखिए मेरे पास खाली नहीं था तो मैंने पेन की कैप ले ली है। अब इस तरीके से हम गोल गोल इसके डिजाइन दे देंगे और इसी हर तरीके से हम इसे दबा के, देखिए इस तरीके से हमने दबा दिया है। अब इस तरीके से हम इसे रोल 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 बना लेंगे इसका, देख सकते हो। अब देखिए कितना सुंदर सा डिजाइन आ गया। इसे हल्के से हाथों से प्रेस करेंगे, दबा देंगे, जिससे हमारे क्या होता है तलते हुए निकले ना। अब देखिए इधर फोक चम्मच ले ली है, इसे मैंने इस तरह से दबा दिया है। अब ये हमारा तैयार हो गया। दूसरा भी मैं आपको इस तरह से दिखाती हूँ। इस तरह से बहुत आसानी से यह नाश्ता बनके तैयार हो जाता है, उतना ही देखने में भी सुंदर लगता है। अगर आपको निकालने में दिक्कत, इस तरह से आप बहुत आसानी से ये निकल के तैयार हो जाता है। इसी तरीके से हम देखिए हल्का सा पानी लगा लेंगे और ये आसानी से ये चिपक जाएगा। देखिए और मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब इसी तरीके से धीरे धीरे हम हाथों से रोल बना लेंगे। आप चाहे अगर गेहूं का आटा नहीं भी लेते हो तो मैदा भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने बना रही हूँ गेहूं का आटा, क्योंकि गेहूं आटा होता है हेल्दी भी होता है और अच्छा बन जाता है, क्रिस्पी बन जाता है। जब हम इसमें तेल डाल देते हैं तो क्रिस्पी हो जाता है। अब इसी तरीके से हम उसको भी इसी तरीके से दबा देंगे। अब देखिए हमारे सारे बनके तैयार हो गए हैं। अब क्या करते हैं, हम पैन लेते, कोई भी कढ़ाई हो ये पैन हो, किसी में आप तेल लगा के इन्हें मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करें, क्योंकि तेज़ में नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे तेज़ में करेंगे तो क्रिस्पी नहीं होंगे। तो हम मीडियम लो फ्लेम में हम इन्हें उलट पलट करके तैयार कर लेंगे और इन्हें इवनिंग टाइम पे खा सकते हो, केचप के साथ या इवनिंग चाय के साथ में हम खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अब देखिए मैं इसे पलट लेती हूँ 2-3 मिनट के बाद और फ्लेम को मीडियम ही रखें। देखिए अब मैंने सबको पलट लिया है। अब इधर भी हम 2-3 मिनट तक इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम इन्हें। अभी हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। आप इसे चटनी केचप के साथ खाइए तो बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। ये हमारा तैयार हो गया हरी मटर का नाश्ता। गेहूं से बनाया है हमने, गेहूं के आटे से, तो हेल्दी भी होता है। देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, बहुत ही क्रिस्पी है, बहुत ही बारीक करके जब मैंने बेला है तो बहुत ही क्रिस्पी है। देख सकते हो अंदर कितनी अच्छी स्टफिंग भरी हुई है मटर की हमारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग और लाइक ज़रूर करते जाना।